अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 के बकिया न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स इसमें इंक्लूड हैं वो मैं डिस्कस कर रहा था। हमने 5 न्यूमेरिकल प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 15.7। कहता है अ सॉलिनाइड हैज़ 250 टर्न्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? What is the induced EMF when the current changes at 20 ampere per second? तो इसका डाटा हम लिखेंगे। सबसे पहले उसने जो डाटा में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास है, सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है उसने, उसे एल से डिनोट करेंगे। कितनी दी हुई है? 2.4 मिली हेनरी। तो मिली को किस में लिखते हैं? 10^-3 में। तो हमने यहाँ पे 10^-3 हेनरी लिख दिया। उसके बाद उसने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं? 250 टर्न्स। यहाँ पे हमने एन भी डाटा में इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज 2 एम्पीयर। जब 2 एम्पीयर का करंट हो तो उसमें से फ्लक्स कितना गुजरेगा? फाई फ्लक्स कितना गुजरेगा? व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पीयर पर सेकंड। तो उसमें से अगर 2 एम्पीयर का करंट गुजर रहा हो तो उसमें से ई की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो इस डेटा के साथ जो हमने मालूम करना है वो ईएमएफ और फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले ई कैलकुलेट कर लेते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन आपने टॉपिक में पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है इसके अंदर केस कौन सा है? सेल्फ इंडक्टेंस वाला। तो हम टॉपिक में जो फार्मूला एक्सप्लेन किया था हमने उसको याद करेंगे। ई इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, उसने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है और उसने ये डेल आई ओवर डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि उसने टाइम तो दिया ही नहीं, हमने इसे डेल आई ओवर डेल टी क्यों लिखा? तो यहां पर देखें कि यूनिट के अंदर उसने क्या लिखा हुआ था, इसे 20 एम्पीयर पर सेकेंड। आप यूनिट से पहचानेंगे कि ये अकेला करंट है या अकेला टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये याद रहे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट से हमें पता चल रहा है एम्पीयर पर सेकंड से। यहां पर हमने डेल आई ओवर डेल टी की वैल्यू लिखी 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ईएमएफ की वैल्यू आ गई 48 मिली वोल्ट। नेक्स्ट है हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स फाई कैलकुलेट करना है। हम यहां पर एक एक्सप्रेशन की मदद लेते हैं, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ये एक्सप्रेशन आपके जहन में आ रहा होगा, हमने ये एक्सप्रेशन टॉपिक में पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में, सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में एन फाई इज इक्वल टू एल आई एक्सप्रेशन कहां से आया था। हमने बोला कि एक नंबर ऑफ टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। एन नंबर ऑफ टर्न्स में से गुजरने वाला फ्लक्स वो भी आई पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहां पर जो कॉन्स्टेंट है वो हटाया, यहां पर सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया और कॉन्स्टेंट लगाया यहां पर एल, सेल्फ इंडक्टेंस का एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहां पर यूज किया है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां से फ्लक्स को इलिमिनेट कर लें, एक्सप्रेशन बनेगा फाई इज इक्वल टू एल आई ओवर एन। इसमें वैल्यूज पुट करें, 2.4 × 10⁻³, ये इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, 2 यहां पर करंट की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स 250 आ गए। आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये जो आंसर बनेगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1.92 × 10⁻⁵ वेबर। ये आपने कैलकुलेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 15.8, अ सॉलिनाइड ऑफ लेंथ 8.0 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 520 टर्न्स। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? 520। यहां पे हम डाटा में इसे सारे को इंक्लूड कर लेते हैं। लेंथ दी हुई है 8.0 × 10⁻² मीटर, एरिया दिया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको, इफ द करंट इन द सॉलिनाइड इंक्रीजेस थ्रू 1.5 एम्पीयर इन 0.2 सेकंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। हमने यहां पर कंप्लीट जो डाटा यहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है उसको समझते हैं। लेंथ दी हुई है 8.0 × 10⁻² मीटर, एरिया दिया हुआ है उसने 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या चीज है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 0.5 को एक मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे, फिर 0.5 को एक और मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे, वो क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। फिर यहां पे इस डेसिमल को मूव करवा के यहां ले आएंगे, 5 10 रेज टू पावर माइनस 5 हो जाएगा, ये 10 रेज टू पावर माइनस 4 से माइनस 5 हो जाएगा। हमारे पास एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। चेंज इन करंट उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में बोला हुआ है, चेंज इन करंट कितना है 1.5 एम्पीयर का, टाइम कितने टाइम में एम्पीयर ये इतना चेंज आ रहा है 0.2 सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 520। यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू हमें यूज करनी है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने म्यू नॉट की वैल्यू भी यहां पर मेंशन कर दी। म्यू नॉट अंडरस्टूड वैल्यू है 4π·10⁻⁷ वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वो पूछता है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनाइड व्हेन द कोर इज एयर। पहली चीज हमें सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है कॉइल की, और दूसरी चीज हमें क्या मालूम करनी है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरी हमें ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, हमने टॉपिक पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, उसकी डेरिवेशन के दौरान एक एक्सप्रेशन हमने निकाला था, वो एक्सप्रेशन क्या था सेल्फ इंडक्टेंस का, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम एन स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें याद है कि स्मॉल एन किसके इक्वल होता है, कैपिटल एन ओवर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं स्मॉल एन। तो यहां पर एन स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, एन स्क्वायर कैपिटल एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू ए एल, ये वाला एल इस एल से क्रॉस हो जाएगा, यहां पर एल स्क्वायर था तो यहां पर एल की सिंगल वैल्यू रह जाएगी। ये एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल इंटू ए। इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 4π·10⁻⁷, और एन की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने 520। यहां पर एन स्क्वायर है 520 का स्क्वायर, और यहां पर फिर एरिया की वैल्यू पुट कर दी 5 10⁻⁵। एन स्क्वायर के नीचे लेंथ एल है 0.08 लेंथ एल की वैल्यू पुट कर दी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर तो हमारा ये आंसर बन जाएगा 2.12 10⁻⁴ हेनरी। ये कैलकुलेशंस आपने जरूर करनी है। नेक्स्ट है, हमने क्या कैलकुलेट करना था, ईएमएफ कैलकुलेट करनी थी। ईएमएफ के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है E is equal to self induction वाले केस में E is equal to L del I over del T। यहां पर आप self inductance की value put कर दें, जो हमने ऊपर calculate की है वही value यहां पर आ जाएगी, ये जो हमने अभी self inductance की value calculate की है। और उसके बाद तो ये जो rate of change of current है इसमें del I की value अलहदा से दी हुई है और del T की value अलहदा से दी हुई है 0.2। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 3 वोल्ट्स। ये इसका इस न्यूमेरिकल के आंसर आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स जो है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 15.10 शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, कहता है लाइक एनी फील्ड, कोई भी हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अंदर द अर्थ, किसी भी फील्ड की तरह जमीन का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। जिस तरह दूसरे फील्ड एनर्जी स्टोर करते हैं, इसी तरीके से जो जमीन का मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 7 10⁻⁵ टेस्ला। कहता है जमीन के सराउंडिंग में उसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, हमने उस जमीन के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक एरिए में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो डाटा देता है हमें, कहता है फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 7 10⁻⁵ टेस्ला। If the space occupies an area, area की value भी दे रहा है 10 raised to power 8 meter square
एंड हैज अ हाइट ऑफ 750 मीटर, जो जमीन के सराउंडिंग में जितना एरिया वो कंसीडर कर रहा है उसकी हाइट बता रहा है 750 मीटर। तो इस किस्म के डेटे में हमने अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, बी उसने दिया हुआ है, एरिया उसने दिया हुआ है जमीन के सराउंडिंग में, लेंथ दी हुई है जो उसकी जितनी हाइट होगी जमीन की सरफेस से लेके जितना एरिया वो कंसीडर कर रहा है उसकी जो हाइट होगी उसकी जो लेंथ है उसको, वो जो हाइट है वही लेंथ है, उसको हमने क्या बोल दिया 750 मीटर। यहाँ पर हमें म्यू नॉट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 4π 10⁻⁷ वेबर एम्पेयर पर एम्पेयर पर मीटर। ई एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ई इज इक्वल टू 1/2 b² / μ0 al। ये वाला एक्सप्रेशन जेहन में लेकर आए, हमने टॉपिक के अंदर एक्सप्रेशन निकाला था एनर्जी स्टोर्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड, हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका एक्सप्रेशन निकाला था, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 b² / μ0 al। इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, देखें डेटा में जो कुछ दिया हुआ है वो सब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 1/2, b की जगह हमने 7 × 10⁻⁷ पुट कर दिया, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट की वैल्यू 4π 10⁻⁷, एरिया की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू कितनी 750। हमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप साइंटिफिक वैल्यूज़ को अलहदा कर लें, 10⁻⁶ को अलहदा कर लें। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वेयर खोलेंगे, 7 का स्क्वेयर क्या आएगा 49, 10 माइनस 2 माइनस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10, इसका स्क्वेयर नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, माइनस 5 इंटू 2 कितना आएगा माइनस 10, पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई हो रही होती है, उनका स्क्वेयर नहीं होता, स्क्वेयर सिर्फ 7 का होगा, 49 10⁻⁻⁰, 10⁻⁷ यहाँ पर ये 10, 10⁻⁸ ये एक वैल्यू है ये वाली, और 750 डिवाइड बाय 2 4π की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 3.14, अंडरस्टूड 10⁻⁷। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 49 को 10 को और 750 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 367500, और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, आंसर आएगा 25.12। साइंटिफिक को एक साथ लिख लेंगे, साइंटिफिक हमारे पास कौन कौन सी बची 10⁻⁷ में, 10⁻⁻⁰, 10⁻⁸ और यहाँ से हमारे पास जो 7 10⁻⁷ डिनोमिनेटर में थी ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर लिखने की बजाय मैंने इसे कहाँ ले गया ऊपर ले गया, ऊपर ये जाके -10⁻⁷ किस में बदल जाएगा 10⁻⁷ के अंदर बदल जाएगा, ये वाला, ये नीचे से ऊपर जब लेके जाएंगे +7 में हो जाएगा। अब यहाँ पर 367500 को डिवाइड करें 25.12 पे, आंसर आएगा आपका 14629.7, और यहाँ से इनको सॉल्व करें 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁷ +8 + 7 कितने हो गए 15, 15 में से -10 गए, 10⁻⁵ आ गए, 10⁻⁵। यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम डेसिमल को डेसिमल की जगह पर लेकर आएंगे, डेसिमल कहां होना चाहिए किसी भी रकम में, एक डिजिट के फौरन बाद, हम इसको डेसिमल को मूव करवा के वन के बाद लेके आना चाहते हैं, क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 चार दर्जे हम इसे किस तरफ लेके मूव करवा रहे हैं, किस साइड पर, लेफ्ट वर्ड हम इसे मूव कर रहे हैं। जब हम डेसिमल को लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे एक्सप्रेशन बनेगा 1.46। जब हम डेसिमल को लेफ्ट वर्ड मूव करते हैं तो साथ जो 10⁻⁷ ऐड होती है वो कौन सी ऐड होती है, प्लस में ऐड हो रही होती है, याद रहे जब हम डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में जितने दर्जे आपने मूव करवाया डेसिमल को उतने ही दर्जे 10 की ताकत ऐड होती है, तो ये क्या बन जाएगी 10 की ताकत 4 हमें यहाँ पे लिखना होगी जैसे हम डेसिमल को मूव करवाएंगे। अब ये 10 की ताकत 5 और 10 की ताकत 4 ये कितने हो गए 10 की ताकत 9, एक्सप्रेशन बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना बन जाएगा 1.46 × 10⁻⁹ जाउल, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 15.11 कहता है अ स्क्वेयर क्वाइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, अ स्क्वेयर क्वाइल ऑफ साइड्स
16 सेंटीमीटर हैज 200 टर्न्स एंड रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला। इफ द पीक ईएमएफ इज 12 वोल्ट, पीक ईएमएफ कितनी हो 12 वोल्ट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्वाइल। ये आपका जो टॉपिक था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। इसमें डाटा में क्या कुछ दिया हुआ है हमें, उसने बोला है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया है क्वाइल के सराउंडिंग में, जनरेटर के अंदर क्वाइल के सराउंडिंग में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो कितना है 0.05 टेस्ला। उस रेक्टेंगुलर क्वाइल का एरिया कितना है, उसने स्टेटमेंट तो सिंपल ये दिया हुआ है, अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, उसने सिर्फ साइडों की लेंथ बता दी। हमें रेक्टेंगुलर क्वाइल का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इनटू विड्थ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये बन गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को किस में बदलना है, हमने मीटर में 100 से एक मर्तबा डिवाइड करेंगे, 100 से दूसरी मर्तबा डिवाइड करेंगे, तब किस में बदल जाएगा, वो मीटर स्क्वायर के अंदर बदल जाएगा, 256 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, 256 ये 100 का स्क्वायर है, ये कितनी होगी 10^4, 10^4 को ऊपर ले जाए कितना हो जाएगा 10^-4, 256 10^-4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये जो एरिया की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 256 10^-4। अब स्टूडेंट न्यूमेरिकल करते हुए स्टेटमेंट पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाता है कि इस एक्सप्रेशन में, इस स्टेटमेंट में एरिया तो दिया नहीं हुआ लेकिन साइडें तो दी हुई है ना, आप उससे खुद मालूम कर लें एरिया, वो इस तरीके से मालूम करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है ई नॉट, मैक्सिमम जो आउटपुट आ रही है जनरेटर से वो कितनी आ रही है, ई नॉट 12 वोल्ट, वो कितनी आ रही है 12 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट आ रही है। n कितने दिए हुए हैं 200, हमें क्या कैलकुलेट करना है ओमेगा, क्वाइल की एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्वाइल नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो रोटेट कर रही है कितनी स्पीड, कितनी एंगुलर स्पीड, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, हमने ओमेगा मालूम करना है। तो आपको याद होगा टॉपिक के दौरान हमने जो एक एक्सप्रेशन निकाला था, एक हमने एक्सप्रेशन निकाला था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें हमने एक ई नॉट का एक्सप्रेशन भी निकाला था, मैक्सिमम के लिए साइन थीटा क्या होता है 1, तो हमने वहां पे एक एक्सप्रेशन निकाला था ई इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, वहां पर साइन थीटा 1 के इक्वल हो गया था और मैक्सिमम आउटपुट की वैल्यू आ गई थी ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, ये एक्सप्रेशन टॉपिक में हमने निकाला हुआ है, इसको जहन में लेकर आए। इस एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, ओमेगा को इलिमिनेट कर लेंगे, ओमेगा को इलिमिनेट कर लिया, बाकी चीज़ें क्या अलग लिख ली, ई नॉट एन ए बी इस साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या बनेगा 12/ एन की वैल्यू 200, ए की 0.05, बी की वैल्यू 256 10^-4, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सिंपली आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 47 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.16, अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1.0 मिली ओम, अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 10^-3 सेकेंड, व्हाट इज द करंट इन द रिंग, रिंग में गुजरने वाला करंट क्या होगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में जो रिंग में से करंट गुजरेगा, जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है करंट। तो डेटा क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है जिसका रेडियस बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 0.04 मीटर बन जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 1 मिली ओम, मिली की जगह क्या लिखेंगे 1 10^-3, मिली की जगह क्या लिख दिया 10^-3 ओम, बी 1 दिया हुआ है 0.2, हमें खुद से डिनोट करना है इसको B1, उसने बोला था ना 0.2 से किस में चेंज हो रहा है 0.4 में, तो B1 0.2 लिख लिया, B2 0.4, इनिशियल B और फाइनल B, हमें डेल्टी यहां पर क्या दिया हुआ है 5 10^-3 सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 1,
मालूम क्या करना है, इंड्यूस करंट आई हमने कैलकुलेट करना है। तो इंड्यूस करंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। इस एक्सप्रेशन में हमें ईएमएफ मालूम नहीं है, ईएमएफ मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू एन चेंज इन बी इंटू ए डिवाइड बाय डेल टी। हमारे केस में बी चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है और बी चेंज हो रहा है, हमने यहां पर डेल बी लिखा और यहां पर एरिया लिखा। अब एरिया तो डाटा में नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट में एरिया तो नहीं है, लेकिन उसने बोला एक रिंग है, रेक्टेंगुलर नहीं है, रिंग है। रिंग कैसा होता है, गोल होता है, तो गोल का एरिया कैसा होगा, पाई आर स्क्वेयर। यहां पर हम एरिया पुट कर देंगे पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि उसने हमें रेडियस दिया हुआ था, रिंग का हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। यहां पर हम एक्सप्रेशन बना लेंगे एन डेल बी पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई डेल टी। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वो पुट कर देंगे वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वन, डेल बी की वैल्यू 0.2, डेल बी की वैल्यू कहां से आई, ये देखें बी वन ये बी टू, हम यहां पर डेल बी कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा बी टू माइनस बी वन, वो क्या आ जाएगी वैल्यूज की 0.4 माइनस 0.2, ये आंसर आ जाएगा 0.2। तो डेल बी की वैल्यू कितनी बन गई 0.2, पाई 3.14, आर की वैल्यू 0.04, आर का स्क्वायर है तो 0.04 का स्क्वायर ले लिया डिवाइड बाय टाइम 5 × 10⁻³। इज इक्वल टू 0.201 वोल्ट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। जब आप ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम इक्वेशन वन में दोबारा जाएंगे, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, यहां पर ई चाहिए था, ई कैलकुलेट हो गया, ई की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, ई की वैल्यू क्या है 0.201 और R की वैल्यू क्या है 10⁻³। इसे सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा 201 एम्पीयर। तो ये थे न्यूमेरिकल्स, आप इससे अगला भी शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड है 15.17, ये आप खुद करेंगे, सिंपल है, इसमें ईएमएफ वगैरह मालूम करनी है और इसके अलावा एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी सिंपल इन्हीं न्यूमेरिकल्स से, इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड हैं, तो वो एग्जांपल्स भी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से तैयार करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।